भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान यानी इसरो एक बार फिर अंतरिक्ष के क्षेत्र में अपना नाम इतिहास के पन्नों पर दर्ज कराने जा रहा है। 14 जुलाई की दोपहर भारत का चंद्रयान 3 उड़ान भरेगा। इस लॉन्चिंग का सफल होना इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो की बड़ी कामयाबी होगी। मिशन सफल हुआ तो अमेरिका, रूस और चीन के बाद भारत चांद पर स्पेस क्राफ्ट उतारने वाला चौथा देश बन जाएगा। यानी अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत लगातार महाशक्ति बनने का एक और पड़ाव पार करने वाला है। चंद्रयान 3 इसरो का एक बहुप्रतीक्षित मिशन है। पूरे देश को इसका बेसब्री से इंतजार है। सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की निगाहें इस मिशन पर टिकी हैं। चंद्रयान 3 लॉन्चिंग के आखिरी चरणों में है। वहीं चंद्रयान 3 के लॉन्चिंग की आखिरी तारीख नजदीक आने के साथ ही श्रीहरिकोटा में हलचल बढ़ती जा रही है। इसरो ने श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में चंद्रयान 3 के इनकैप्सुलेटेड असेंबली को GSLV MK3 रॉकेट से जोड़ दिया है। इसी इनकैप्सुलेटेड असेंबली में चंद्रयान 3 मौजूद है। दरअसल चंद्रयान 3 मिशन चंद्रयान 2 का ही फॉलो अप मिशन है। भारत ने 2019 में चंद्रयान 2 के जरिए इस मिशन को हासिल करने की कोशिश की थी, हालांकि इस मिशन में कामयाबी नहीं मिली थी, जिसके बाद अब चंद्रयान 3 की बात सामने आई और अब चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग जल्द ही होने वाली है। चंद्रयान 3 के लैंडर में 4 पेलोड हैं, जबकि 6 चक्कों वाले रोवर में 2 पेलोड हैं। बताते चले कि चंद्रयान 3 मिशन सबसे अलग और सबसे खास है। अब तक दुनिया के जितने भी देशों ने अभी चंद्रमा पर अपने यान भेजे हैं, उन सभी की लैंडिंग चांद के उत्तरी ध्रुव पर हुई है, लेकिन चंद्रयान 3 चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला पहला अंतरिक्ष मिशन होगा। यानी चंद्रयान 3 अपनी चंद्र यात्रा के दौरान डार्क साइड ऑफ द मून की भी छानबीन करेगा। इसके लिए चंद्रमा का दक्षिणी ध्रुव विशेष रुचि वाला विषय है, क्योंकि चंद्रमा का अंधेरे वाला ये पक्ष, जिसे डार्क साइड ऑफ द मून कहते हैं, इस क्षेत्र में पानी की मौजूदगी के भी अच्छे खासे अनुमान है। इसके अलावा इस मिशन में एल्गोरिथम को भी बेहतर किया गया है। वहीं इसरो ने चंद्रयान 3 के लैंडर और रोवर को वही नाम देने का फैसला किया है जो चंद्रयान 2 के लैंडर और रोवर के नाम थे। आपको बता दें कि चंद्रयान 3 के लैंडर का नाम विक्रम ही होगा, जो भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक विक्रम साराभाई के नाम पर रखा गया है। वहीं इसके रोवर का नाम प्रज्ञान होगा। फिलहाल इस खास खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया पब्लिक खबर के YouTube चैनल को और बेल आइकन दबाएं, ताकि चैनल से जुड़ी किसी भी लेटेस्ट अपडेट से आप कहीं चूक न जाएं।